हेलो गाइस, माई सेल्फ डॉक्टर हेमंत कुमार मीणा, BAMS स्टूडेंट फ्रॉम NIS जयपुर। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। गाइस आज की वीडियो में हमारा टॉपिक है कर्नाटक आयुर्वेद यूनिवर्सिटी के द्वारा सितंबर 2018 में BAMS फर्स्ट ईयर के लिए जो पेपर आयोजित किया गया था, रचना शरीर एनाटॉमी का पेपर फर्स्ट, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। गाइज इसमें आपको टोटल मिलाकर के 3 घंटे का टाइम होता है। इसमें आपको 100 मार्क्स की क्वेश्चन जो है वो करने होते हैं, जिसमें आपको पार्ट ए और पार्ट बी में पूरा का पूरा पेपर जो है डिवाइड रहता है। पार्ट ए जो है आपके 50 नंबर का होता है, पार्ट बी भी जो है आपके 50 नंबर का होता है। तो गाइज इसमें अगर अपन जो है वो फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके 15 नंबर का है और इसमें आपको क्या करना है कि लॉन्ग ऐसे टाइप क्वेश्चन है जिसमें आपको डिफाइन मर्म, क्लासीफाई मर्म एंड एक्सप्लेन सद्य प्राणहर मर्म इन डिटेल। ठीक है, तो जो मर्म क्या है उसको आपको डिफाइन करना है, मर्म का क्लासिफिकेशन लिखना है और उसके अलावा सद्य प्राणहर मर्म जो है उसको डिटेल में आपको जो एक्सप्लेन करना है। ठीक है, उसके बाद में अगर अपन सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं गाइज, तो सेकंड से लेकर के 6 नंबर के क्वेश्चन जो है वो शॉर्ट ऐसे टाइप के क्वेश्चन है जिसमें हर एक क्वेश्चन आपके 5-5 नंबर का है, टोटल मिलाकर के 25 नंबर जो है वो इनके होते हैं। जिसमें अगर सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं तो रक्ताधरा कला जो है उसके बारे में आपको बताना है। तीसरा क्वेश्चन है गर्भ पोषण के बारे में बताना है और फोर्थ क्वेश्चन है टाइप्स ऑफ पेशी। फिफ्थ क्वेश्चन है कि लिंग विशेष्य। उसके बाद सिक्स है क्या है, सिक्स जो है वो क्या है, शरीरस्य पंचभौतिकत्व। ठीक है, जो शरीरस्य पंचभौतिकत्व है उसको आपको जो है वो समझाना है, मतलब इसके अंदर क्या बताया गया। उसके बाद में गाइज शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन है जिसमें आपको 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं और आपके 2-2 नंबर के, टोटल मिलाकर के 10 नंबर जो है इनका है। तो 7वें नंबर का क्वेश्चन जो है उसमें क्या है, ऋतुकाल के बारे में बताना है। 8वें में आपको स्त्रोत जो उसको डिफाइन करना है। उसके बाद में अस्थि संघात क्या है उसको बताना है। उसके अलावा डिफाइन आस्य और उसके अलावा ज्ञानेन्द्रिय क्या है इसके बारे में आप बताना है। ठीक है, पार्ट बी जो आपके 50 नंबर का है उसमें लॉन्ग ऐसे टाइप के क्वेश्चन की बात करते हैं जो कि 15 नंबर का उसकी वो है, डिफाइन मसल एंड टेंडन, मेंशन टाइप्स ऑफ मसल एंड एक्सप्लेन इन डिटेल अबाउट एडक्टर ग्रुप ऑफ मसल्स। ठीक है, तो मसल्स की जो है वो डेफिनेशन क्या है उसको आपको डिफाइन करना, मसल्स और टेंडन दोनों की। उसके अलावा जो मसल्स के टाइप्स है वो कितने मेंशन किए गए उसके बारे में आपको बताना है और उसके अलावा एडक्टर ग्रुप की जो मसल है उसके बारे में आपको डिटेल में एक्सप्लेन करना है। ठीक है, उसके बाद शॉर्ट ऐसे टाइप के क्वेश्चन में आपको जो है वो सबसे पहला वो है कि एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट के बारे में बताना, रेडियस, उसके अलावा सुपरफिशियल पल्मोनरी आर्च के बारे में, डायफ्राम और स्ट्रक्चर ऑफ लिम्फ नोड इनके बारे में आपको बताना है। ठीक है, उसके बाद में शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन की बात करते हैं, तो शॉर्ट आंसर के क्वेश्चन में आपको जो क्वेश्चन है वो है कोरियन, उसके अलावा फोरमिना मैग्नम क्या है, उसके अलावा क्लेवेज, उसके अलावा कार्टिजीनियस ओसिफिकेशन क्या है, उसके अलावा एक्लिस टेंडन क्या है, इसके बारे में आपको बताना है। ठीक है, तो गाइज ये थी आज की हमारी वीडियो जिसमें हमने कर्नाटक आयुर्वेद यूनिवर्सिटी के BAMS फर्स्ट ईयर के पेपर के बारे में डिस्कस किया जो कि सितंबर 2018 में आयोजित किया गया था। थैंक यू सो मच गाइज़।